Good morning, all of you, my dear students. Today we arrange lesson 2.3 of mathematics. आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड देखिए बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस, ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल दिया है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर इतना इतना, देखिए पॉलीनोमियल दिया है क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग थर्ड बनाने जा रहे हैं। गिवन लिख लीजिए px इक्वल टू कितना है, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड जीरो इसका दिया गया है। जीरो क्या है, स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस में स्क्वायर रूट 5/3, यानी कि टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल पी एक्स भी स्क्वायर रूट 5/3 एंड माइनस में स्क्वायर रूट 5/3। तो इसका अदर जीरो फाइंड करना है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। जीरो दिया है ये स्क्वायर 5/3 और माइनस स्क्वायर 5/3, इट मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स यानी देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर 5/3 ये दिया है, और ये इधर से इधर आएगा तो एक्स माइनस स्क्वायर 5/3 ठीक है इक्वल टू जीरोस एंड एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5/3 ये इधर आएगा तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5/3 इक्वल टू जीरोस। तो मल्टीप्लाई हम करते जीरोस को, तो एक्स माइनस स्क्वायर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 5/3 इक्वल टू जीरो। याद रखिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू जीरो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। बट वी नो दैट जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल में यदि मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, यानी जो जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी जो होता है आपका पी एक्स यानी पॉलीनोमियल दिया है इसका क्या होता है फैक्टर होता है। तो फैक्टर होता है यानी कि इससे अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो जीरो मिलेगा। तो देखिए बाय डिवाइडिंग तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड कीजिए, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ठीक है। तो डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर है या एक्स कूल है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, तो हो गया 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x के पावर 4 और इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई तो देखिए 5/3 इंटू 3x स्क्वायर में कैंसिल होगा 5x स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस या कैंसिल, ये बच गया 6x³ और देखो प्लस 5 और माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब x² है यहाँ x³ है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे कितना से, तो 6x तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 6x से, तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो x² माइनस 5 बाय 3 इनटू बोल लेते हैं कितना 3x² प्लस 6x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा इक्वल टू जीरोस, ये हमारा हो जाएगा 4 जीरोस। जीरोस के लिए px जो होता है हम क्या करते हैं, px को हम लोग जीरो कर देते हैं तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करें तो ये देखिए 1 टाइम्स x² माइनस 5 बाई 3 इक्वल टू जीरो, तो ये तो हम लोग सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, 3 कॉमन ले लीजिए तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये इधर भेज दीजिए यानी हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो बाय 3, इसको तोड़ दीजिए x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, अब इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1 यानी इक्वल टू जीरो, तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 1, अगेन x प्लस 1 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 1, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑल जीरोस, एक दिया है स्क्वायर रूट 5 बाय 3, एक है माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 3, एक है माइनस 1 और अदर भी है माइनस 1, ये आपका 4 जीरोस आंसर है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3rd कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th बनाने जा रहे हैं, तो 4th के लिए तब तक हम इरेज कर लें, ¡Gracias!
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कौन डिवाइडेड इतना बाय द पॉलीनोमियल जीएस, द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड जीएक्स। तो देखिए आप लोग, ये कोई क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई पॉलीनोमियल दिया गया है पीएक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देख लीजिए एक्स प्लस 2 तो डिवाइड किया जा रहा है किससे, जी एक्स से, जी एक्स से डिवाइड किया जा रहा है। तो कोशिएंट और रिमाइंडर मिल रहा है, यानी क्यू एक्स कितना है और आर एक्स कितना है। तो क्यू एक्स है आपका एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 और आर एक्स है माइनस 2x प्लस 4। तो आप लोग जानते हैं जब किसी पॉलीनोमियल px को gx से डिवाइड किया जाता है तो px इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड रूल या डिवाइड रूल। डिवाइडेंड चेक करते हैं तो क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर मल्टीपल कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप लोग जानते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीपल कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड क्या है, पी एक्स यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइडर कितना है, जी एक्स। कोशिएंट कितना है, एक्स माइनस 2। रिमाइंडर कितना है, माइनस 2x प्लस 4। अब इसको देखिए प्लस वाला पार्ट इधर ला दिया जाए, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस है तो इधर लाकर प्लस 2x और प्लस 4 है ये माइनस 4 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए एक्स क्यूब ये 3x स्क्वायर और देखिए x और 2 एक साइड हो जाएगा 3x और 2 में से 4 दिया माइनस 2 इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो x माइनस 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं या फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप दोनों तरीके से, क्योंकि क्लास 9 में आप लोग ऑलरेडी क्यूब पढ़े हैं तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं या फिर आप डिवाइड भी करते हैं तो डिवाइड ही कर लीजिए। लीजिए मान लीजिए x माइनस 2 से डिवाइड कीजिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए डिवाइड करके x माइनस 2 से कितना होगा, x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ओके, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 3 में से 2 गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर लाना है तो माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल कर 3 में से 2 गया एक्स माइनस 2। अब कितना से प्लस 1 से कर दीजिए एक्स माइनस 2 कैंसिल जीरो आ गया। चलिए काट जीरो आ गया, तो यानी कि हम लोग इस टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं, उधर मिटा दें। ओके, तो उसको हम मिटा करते हैं, इसको इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखे हैं डिवाइड किया है तो इतना इंटू इतना, यानी कि आपका ये क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद जस्ट इसके बाद लिखेंगे
एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू से इसमें डिवाइड कर देंगे, जस्ट इसके बाद ये प्रोसेस। तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आप लोग देखें जी एक्स का वैल्यू निकल चुका है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फाइव बनाएंगे। वीडियो तो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन फाइव में कुछ ट्रिक्स भी बताने हैं, जिसके लिए मैं इसको तो अभी नहीं कर सकता क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन फाइव के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को इजी वे में मैं समझा दूंगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।